यूपी के रायबरेली में देर रात घर से मोटरसाइकिल से निकले युवक का छत विच्छत शव रेलवे ट्रक पर मिला। युवक का शव मिलने से परिवार में मचा कोहराम। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत काशीराम कॉलोनी के रहने वाले दीपक श्रीवास्तव का शव ITI रेलवे क्रॉसिंग पर छत विच्छत अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस की सूचना पर पहुंचे मृतक के भाई ने बताया कि किसी का फोन आने पर मेरा भाई घर से मोटरसाइकिल लेकर सिविल लाइन जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस घर नहीं आया। मौके पर पहुंची रेलवे व स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी। शाम 8:30 बजे भाई से हमारी बात हुई तो भाई बोले कि हम लोग पार्क में बैठे हुए बात कर रहे थे आपस में, तो ये बोले कि अभी इनको कोई दोस्त का फोन आया। इन्होंने बोला कि बस इससे मिल के आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, हमने कहा खाना, तो कहें ठीक है आके खा रहे हैं। फिर 9:15 बजे हमने इनसे बात किया, हमने बोला भाई कहाँ हैं आप, बोले क्या मम्मी सो गई, हमने कहा मम्मी सो गई, कहें बउआ सो गया, हमने कहा बउआ भी सो गया है, तो कहें ठीक अच्छा ठीक तुम भी सो जाओ हम आ रहे हैं अभी। उसके बाद हमें 11:30 बजे 112 से फ़ोन आता है कि भैया आपके भाई दीपक श्रीवास्तव के आप भाई बोले, हमने कहा बोल रहे हैं, उनका रेलवे ट्रैक पे बॉडी मिली, आप चले आइए। ये कहाँ पे मिली ये आपको? मलिक मऊ। ये क्या जॉब वॉब करते थे किसी? नहीं, कहीं कोई जॉब नहीं करते थे। तो यहाँ कैसे आते हैं? अब ये तो घर से तो बता के गए सिविल, यहाँ कैसे आए सर ये हम नहीं बता पाएंगे आपको। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।